ये किसका नंबर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई प्रोड्यूसर शुभ मुहूर्त में तुझे साइन करना चाह रहा हूं? अरे महान, जल्दी फोन उठा। हेलो जी, अब आप कौन? आप मेरी फैन बोल रही है, मेरी। अजाब गजाब घर जमाई। पर माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे तो ऐसा बोलिए ना कि हम लखनऊ में ऑडिशन पे मिले थे जी। वो नीली आंखों वाली आप थी? अरे आपने उस वक्त मुझसे नंबर क्यों नहीं मांगा? मैं तो अपने घर का नंबर, गली का नंबर, फोन नंबर, सारे नंबर दे देता आपको। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? शकीना। हाँ, आवाज सुनते ही दिल में हजारों फूल खिल उठे जी। ऑटोग्राफ? हाँ क्यों नहीं। अरे ऑटोग्राफ वो दिल दिल में देना अच्छा नहीं लगता जी, पेपर में ऑटोग्राफ दे देंगे। आज जब मिलेंगे तभी जी। कौन है मान जी? फैन का फोन है। आप कह रहे फैन है? ये तो लड़की है भाई, लड़कियां भी तो फैन होती हैं। और आवाज सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सुंदर है ये। अच्छा, आवाज से पता चल रहा है, मुझे दीजिए। अरे अरे लॉली जी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? ये तो मेरी फैन का फोन था। अरे बस यूं समझिए कि ये पहली फैन थी, बोनी हो गई हमारी। अभी तो हजारों लाखों लड़कियां फैन बनेंगी हमारी। लॉली जी, लॉली जी जल्दी आओ, महान जीजू के लिए गिफ्ट आया है, किसी सकीना का। अरे लालो, मेरे लिए होगा। ये तो सरे आम खुले आम हो गया। पहली बार किसी फैन ने मुझे इतनी इज्जत बख्शी है। एक्सक्यूज मी, फैन का फोन। हेलो। हाँ आम सकीना, रिश्ते में तो आप हमारी फैन लगती हैं। अब नाम है सकीना, ये नाम मैं जब भी लेता हूँ मेरे चारों तरफ फूल खिल जाते हैं। अब फूलों से याद आया कि तुमने बड़ा ही खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता भेजा था मुझे। महान की फैन? बड़े लाल समझ गया बोल के। अरे भाई, आपको ये प्यारी प्यारी हेडलाइट जैसी आंखें दी दिखाई नहीं देता? फैन दे दिया, जाइए। हाँ जी, फैन का चिट्ठी। मैंने आपके लिए इसमें पेन और एक कागज रखा है। ओहो, यानी इसमें पेन है, कागज रखा है, और आप इस पेन से मेरे लिए कुछ खूबसूरत लाइनें लिख दीजिएगा महान जी, तुरंत। आपकी फैन सकीना। क्या बोल लौली जी, इतनी मायूस क्यों लग रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है जीजा जी, कि ये फैन कैसे होते हैं, और मेरे मां जी की ये फैन पता नहीं उनके लिए क्या क्या भेज रहे हैं। पहली बार किसी ऐसे फैन से पाला पड़ा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब लौली जी, बात में से बात निकलने वाली बात है, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है, लेकिन पता नहीं कब कौन सी फैन कहां से आ जाए और बीवी बन जाए। नहीं नहीं, वो तो पता चल जाएगा। अरे कुछ नहीं पता चलता है लॉली जी, ये जो फिल्मी लोग हैं ना, इनकी यही कहानियां हैं। पहले फैन बनती हैं, फिर उसके बाद हीरोइन बनती हैं, और उसके बाद सीधा गले पड़कर बीवी। नहीं। और हो सकता है महान जी के साथ भी कहीं ऐसा हो गया तो। अजाब गजाब घर जमाई।